सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू निवडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे रियलमी डिवाइसों के मई मंथ के ओटी अपडेट, स्टेबल अपडेट एंड बीटा अपडेट के बारे में, जो कि आज के डेट में रियलमी की ओर से सभी यूजर को बहुत सारे न्यू वर्जन का अपडेट रियलमी की ओर से पब्लिकली रोल आउट कर दिया गया है। चलिए देख लेते हैं कि कौन सी यूजर को कौन सा अपडेट देखने को मिला है और कौन कौन से मेजर प्रॉब्लम को फिक्स किया गया है और आपके डिवाइस के लिए रियलमी की ओर से कौन सा अपडेट रोल आउट किया गया है। मैं आपको फुल डिटेल द्वारा लाइव प्रूफ बताने वाला हूं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। इस वीडियो को आप बिना स्किप के वीडियो के अंत तक बने रहिए और साथ ही ऐसे इंटरेस्टेड वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले अपडेट न्यूज देख लेते हैं। सबसे पहला जो अपडेट देखने को मिल रहा है वो रियलमी नार्जो सीरीज के डिवाइस में। यदि आपके पास रियलमी नार्जो 50 प्रो 5G की डिवाइस है तो आपके डिवाइस के लिए इस मंथ का न्यू वर्जन का स्टेबल अपडेट ओटी अपडेट रोल आउट कर दिया गया है, जिसका UI वर्जन आपको C.12 देखने को मिलता है और इस अपडेट में आपके डिवाइस के अंदर सिस्टम से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम को फिक्स कर दिया गया है। तो इस अपडेट को आप जाके अपने डिवाइस में ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस अपडेट के बाद आपके डिवाइस में कोई भी सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा और आपको सिस्टम में स्टेबिलिटी और परफॉर्मेंस में इम्प्रूव देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यदि आपके पास रियलमी 9 सीरीज की डिवाइस है, रियलमी 9 प्रो प्लस 5G की, इस डिवाइस में मई मंथ का ओटी अपडेट रोल आउट कर दिया गया है, जो कि C.12 का सेम वर्जन आपको देखने को मिलता है और इस अपडेट में आपके डिवाइस के अंदर जो भी प्रॉब्लम देखने को मिल रहे थे, मेजर प्रॉब्लम यहाँ पे आप देख रहे होंगे सिस्टम से रिलेटेड और सिस्टम का जो बग इशू देखने को मिल रहा था उसको 100% इसमें फिक्स किया गया है और आपको जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम था सिस्टम से उसे स्टेबल कर दिया गया है। तो आप जाके इस अपडेट को भी अपडेट कर सकते हैं और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके डिवाइस में इसका डाउनलोड साइज कितने MB का देखने को मिला था। अब बात करते हैं अगली डिवाइस के बारे में, जिसको इस मंथ में अपडेट अभी तक रोल आउट हुआ है और आज के डेट में यहाँ पे देख रहे होंगे। यदि आपके पास रियलमी C33 की डिवाइस है, इस डिवाइस में मई मंथ का लेटेस्ट वर्जन का ओटी अपडेट रोल आउट कर दिया गया है, जो कि आपको यहाँ पे देख रहे होंगे 8.83 का वर्जन देखने को मिलता है और ये सभी यूजर के लिए रोल आउट किया गया है। और साथ ही इस डिवाइस में रियलमी UI 4.0 और Android 13 का भी, जिन लोगों ने ईयरली एक्सेस का फॉर्म आया था, गूगल फॉर्म उसको फिल किया था, उनको अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। तो इस डिवाइस के लिए बहुत ही अच्छा गुड न्यूज है। इसके बाद आपके पास रियलमी नार्जो 30 की डिवाइस है, तो इस डिवाइस में काफ़ी लंबे समय बाद रियलमी की ओर से आज के डेट में यह Android 14 का अपडेट रोल आउट कर दिया गया है, जो कि स्टेबल वर्जन का ही देखने को मिलता है और इस डिवाइस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को फिक्स किया गया है, जो कि प्रॉब्लम देखने को मिल रहा था सभी बग इशू को भी फिक्स कर दिया गया है। सिस्टम से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इस डिवाइस में देखने को मिल रहा था। इसके बाद बात की जाए अगली डिवाइस के बारे में, जिसको आज के डेट में अपडेट देखने को मिल रहा है। यदि आपके पास रियलमी C55 की डिवाइस है, तो इसमें रियलमी की ओर से यहाँ पे देख रहे होंगे 8.47 का अपडेट देखने को मिल गया है, जो कि अपसेली वर्जन देखने को मिलता है और इस अपडेट में इसमें बहुत ज़्यादा चेंज देखने को मिलता है। आपके सिस्टम से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम था उसको फिक्स किया गया है। उसके बाद आपके डिवाइस में और जो मेजर बग इशू देखने को मिल रहे थे उसको भी यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे। और ऑडियो प्रॉब्लम देखने को मिल रहा था और कैमरा प्रॉब्लम, उसको भी इस अपडेट में फिक्स किया गया है। तो ये अपडेट आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। यदि आपके पास रियलमी GT सीरीज की डिवाइस है, रियलमी GT Neo 3T की, तो इसमें आपको न्यू वर्जन का अपडेट C.08 का रियलमी की ओर से आज के डेट में रोल आउट कर दिया गया है और इस अपडेट में क्या क्या बग इशू को फिक्स किया गया है मैं वो आपको लाइव प्रूफ दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपके डिवाइस में एप्स में प्रॉब्लम आ रहा था, जब भी आप किसी भी एप्लीकेशन को यूज करते थे, जैसे व्हाट्सअप में कॉलिंग जब भी आप कनेक्ट होता था तो उसमें प्रॉब्लम आता था और कैन नॉट सपोर्ट का या कैन नॉट कनेक्ट का प्रॉब्लम का देखने को आपके डिवाइस में एक एरर मिल रहा था, तो उसको 100% रियलमी की ओर से फिक्स कर दिया गया है। और बात की जाए कि और कौन से डिवाइस में अपडेट देखने को मिल रहा है आज के डेट में, तो यहाँ पर देख रहे होंगे यदि आपके पास रियलमी नार्जो 50 की डिवाइस है, तो इस मंथ में रियलमी की ओर से
से सभी यूजर के लिए पब्लिकली अपडेट रियलमी वाई 4.0 एंड आई 13 का रोल आउट कर दिया गया है। और ईयरली एक्सेस फॉर्म को कैसे फिल करना है उसका फुल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर फिल कर सकते हैं और अपडेट को पा सकते हैं। यानी आज के डेट में इतना ही लेटेस्ट न्यूज़ रियलमी की ओर से अपडेट से रिलेटेड देखने को मिलता है जो कि मैं आपको बता दिया।